पुलिस ने आगरा के रेड लाइट एरिया में छापा मारकर 9 युवतियों को देह व्यापार से मुक्त कराया। पुलिस को एक एनजीओ के माध्यम से सूचना मिली कि कुछ युवतियों से जबरन देह व्यापार कराया जा रहा है। युवतियों को नेपाल ले जाकर जबरन यहां रखा गया है। पूरा मामला छत्ता क्षेत्र का है। थाना क्षेत्र के छत्ता क्षेत्र के अंतर्गत कश्मीरी बाजार के रेड लाइट एरिया के नाम से क्षेत्र जाना जाता है, जिसमें कई दिनों से इस प्रकार सूचना आ रही थी कि जो है कुछ लड़कियों द्वारा, कुछ महिलाओं द्वारा अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं। इसकी सूचना पर आज एसएसपी साहब द्वारा हम लोगों को बताया गया। तो इस समय एक संस्था है नेपाल की, माइती नेपाल, और एक रेस्क्यू फाउंडेशन दिल्ली की संस्था है, जो एनजीओज हैं, इनके द्वारा भी थाना पुलिस द्वारा संपर्क किया गया वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। तो उस मौके पर एसएचओ छत्ता और मैं और महिला एसओ और एंटी रोमियो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट वगैरह हम लोग मौके पर पहुँच कर रेड की गई। देखा गया कई घरों में तालेबंद मिले। एक घर में ताला बंद था, उसे जो खुलवाया गया उसके अंदर हमें 9 लड़कियां जो कि मौके से बरामद हुई हैं, जो कि प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया कि ये अनैतिक कार्य में लिप्त हैं। और मौके पर कई अनैतिक सामग्रियां मिली हैं, जो असली सामग्री मिली है जो कि इस तरह के धंधों में प्रयोग की जाती हैं। पुलिस सभी युवतियों से पूछताछ कर रही है, जिससे कि उनकी खरीद फरोख्त करने वालों तक पहुँचा जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।